Subscribe to Matty English channel and press the bell icon for the latest video updations. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वांट, नीड और सपोज टू के सेंटेंसेस के बारे में। क्या होता है इनका स्ट्रक्चर, आज के सेंटेंसेस में हम ये देखने वाले हैं। वैसे आपको कुछ चेंज दिख रहा होगा, आज मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं या फिर आप राइट डाउन करते हैं तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज के पूरे वीडियो में मैं रहूँगा स्लो ताकि आपको मिल जाए टाइम राइट डाउन करने का और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में होगा पॉजिटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस भी, पास्ट वाले सेंटेंस भी और प्रेजेंट वाले सेंटेंस भी। लेकिन वांट, नीड या सपोज टू के फ्यूचर वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को प्रेजेंट और पास्ट में ही पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मैडी, यू आर वाचिंग मैटीज इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वांट और नीड का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के सामने है। सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर नीड, उसके साथ में लग जाएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है कि वांट और नीड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सभी के साथ। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ही शी इट के साथ में वांट यूज़ होगा और आई वी यू दे के साथ में नीड यूज़ होगा। किसी के साथ भी, किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के। मुझे आज फिल्म देखने जाना है, मतलब कि ये मेरी इच्छा है या फिर ज़रूरत है, ये मुझ पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ तो मेरी सिंपल से दिख रहा है कि इच्छा है। बना देते हैं इस सेंटेंस को, टुडे आई वांट टू गो टू वॉच फिल्म। आज का दूसरा सेंटेंस है, मुझे आज ही उससे बात करना है, मतलब ये मेरी ज़रूरत है कि मुझे आज ही उससे बात करना है। बना देते हैं इसका इंग्लिश, आई नीड टू टॉक टू हिम टुडे ओनली। आज का तीसरा सेंटेंस है, पापा को आपसे कुछ पूछना है। अब यहाँ पर पापा सिंगुलर है, मतलब कि जो भी चेंज होगा वो वांट और नीड में ही होगा। हम यहाँ पर अलग से डू या डस का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका इंग्लिश होगा, फादर वांट्स टू आस्क यू समथिंग। आज का चौथा सेंटेंस है, उसे इंग्लिश बोलना सीखना है, मतलब कि यह उसकी ज़रूरत है कि उसे इंग्लिश बोलना सीखना है। तो ही नीड्स टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। चलिए अब देख लेते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस ताकि क्लियर हो जाए कि वांट और नीड के नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ डू नॉट और डज नॉट को हमने यहाँ यूज़ करना है। मतलब स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट, उसके साथ में लग जाएगा वांट और नीड, मतलब टू वाली कंडीशन पूरी आएगी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि वांट और नीड से पहले हमें लगाना है डू नॉट या फिर डज नॉट। देख लेते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर के कुछ सेंटेंसेस। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं यहाँ पर प्लूरल हूँ, मतलब कि आई वी यू दे के साथ में हमें लगाना है डू। तो इसका इंग्लिश होगा, आई डू नॉट वांट टू लिसन एनीथिंग। उसे अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करना है। उसे मतलब कि सिंगुलर है, मतलब कि ही शी इट नेम्स के साथ में आएगा डज। तो इसका इंग्लिश होगा, ही डज नॉट नीड टू अटोन हिज मिस्टेक। आज का तीसरा सेंटेंस है, मुझे भूखे नहीं मरना है। इसका इंग्लिश होगा, आई डू नॉट वांट टू स्टार्व। आज का चौथा सेंटेंस है, मनीष को उसके दोस्तों से दूर नहीं रहना है। तो इसका इंग्लिश होगा, मनीष डज नॉट नीड टू गेट अपार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ ख़त्म होते हैं आपके वर्ब वाले सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पर हमने वर्ब का यूज़ किया था, अब हम देख रहे हैं बिना वर्ब वाले सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब का हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। देख लेते हैं अब वांट और नीड को बिना वर्ब के साथ में हमें कैसे यूज़ करना है। तो बिना वर्ब वाले वांट या नीड का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर नीड प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। देख लेते हैं इसके भी पर्टिकुलर सेंटेंसेस। मुझे आइसक्रीम चाहिए, आई वॉन्ट आइसक्रीम। मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, आई नीड 1 किलो शुगर। मतलब कि इस तरह से हम इसे यूज़ करने वाले हैं। अब देख लेते हैं इसके पास्ट वाले सेंटेंस, मतलब पास्ट में हम इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं। पास्ट में जब हम इसे बनाते हैं तो उसका सेंटेंस का चेंज थोड़ा सा हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर ना है या ना था की जगह पर आ जाएगा कुछ चाहिए था। देख लेते हैं इसका भी एक स्ट्रक्चर। तो कुछ चाहिए था, मतलब कि पास्ट में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड या फिर नीडेड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हम वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वांटेड और नीडेड को हम एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। देख लेते हैं इसके भी कुछ सेंटेंसेस। मुझे आपका नंबर चाहिए था, आई वॉन्टेड या फिर नीडेड योर नंबर। मुझे आपके नोट्स चाहिए थे, आई नीडेड योर नोट्स। मुझे आपसे अच्छा रिजल्ट चाहिए था, आई वॉन्टेड गुड रिजल्ट फ्रॉम यू। मुझे इस लेसन में कुछ चेंजेस चाहिए थे, आई वॉन्टेड सम चेंजेस इन दिस लेसन। अब देख लेते हैं कुछ चाहिए था के नेगेटिव सेंटेंस। वहाँ पर हमने डू नॉट और डज नॉट को यूज़ किया था क्योंकि हम प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस बना रहे थे। यहाँ पर हम पास्ट वाले सेंटेंस बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड का। मतलब जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे डिड नॉट का यूज़ हम वहाँ कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट के लगने से वांटेड और नीडेड चेंज हो जाएंगे वांट या फिर नीड में, प्लस ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली अपनी जगह पर आएगा। देख लेते हैं इसके अभी कुछ सेंटेंसेस। उसे कुछ नहीं चाहिए था, He did not want anything. मुझे उसकी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए थी, I did not want his friendship. पापा को तुम्हारा दोस्त इस कमरे में नहीं चाहिए था, Father did not want your friend in this room. मुझे लंच बॉक्स में आलू के पराठे नहीं चाहिए थे, I did not want potato stuffs in lunch box. तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका पास्ट वाला want और need का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं एक और सिमिलर स्ट्रक्चर जो कि होता है सपोज टू, जिसका मतलब भी होता है करना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देख लेते हैं सपोज टू के भी कुछ सेंटेंसेस और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, सपोज टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है ड्यूटी के बारे में, जब बताना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जब बताना होता है रूल्स या फिर रेगुलेशन के बारे में, या फिर जब हम बताते हैं प्रोहिबिशन को, तब हम यूज़ करते हैं सपोज टू का। सपोज टू का मतलब भी हिंदी में होता है ना है, मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में अगर आ जाता है ना है, अगर वो ड्यूटी शो कर रहा है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है, अगर वो रूल्स शो कर रहा है या फिर प्रोहिबिशन शो कर रहा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं सपोज टू का। देख लेते हैं इसका भी एक स्ट्रक्चर। तो सपोज टू का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू, उसके साथ में लग जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको बनाना है इसके पास्ट वाले सेंटेंस, तब आप यूज़ करेंगे ना था का, तब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी वाज और वर में, बाकी पूरे सेंटेंसेस वही रहेंगे। और अगर आपको बनाना है इसका नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगा दीजिएगा नॉट। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ में नॉट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं इसके भी कुछ सेंटेंसेस। मुझे उसे अपना प्रेजेंटेशन नहीं देना है, आई एम नॉट सपोज टू गिव हिम माय प्रेजेंटेशन। पापा को अपने परिवार के बारे में सोचना है, ये पापा की ड्यूटी है कि वो अपने परिवार के बारे में सोचे। तो इसका इंग्लिश होगा फादर इज सपोज टू थिंक अबाउट हिज फैमिली। सभी को भारत का संविधान मानना है, ये रूल है और रेगुलेशन है, इसलिए हम यूज़ करेंगे सपोज टू का। तो इसका सेंटेंस बनेगा एवरीवन इज सपोज टू एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों का गाड़ी चलाना मना है, मतलब यहाँ पर प्रोहिबिशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी सपोज टू का यूज़ होगा। इसका इंग्लिश होगा अकॉर्डिंग टू लॉ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ओल्ड आर नॉट सपोज टू ड्राइव। बिना होमवर्क डायरी के आपको स्कूल नहीं आना है, मतलब कि प्रोहिबिशन की बात हो रही है, मतलब सपोज टू यहाँ पर यूज़ होगा। सो यू आर नॉट सपोज टू कम स्कूल विदाउट होमवर्क डायरी। अब देख लेते हैं इसका पास्ट, ताकि क्लियर हो जाए कि ना था वाले सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी वही सेम होगा, बस इज एम आर की जगह पर लग जाएगा वाज वर। देख लेते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको पता है कि वाज लगता है सिंगुलर्स के साथ में और वर लगता है सभी प्लूरल के साथ में। देख लेते हैं इसके भी कुछ सेंटेंसेस। तुम्हें दूसरों के लिए काम नहीं करना था, यू वर नॉट सपोज टू वर्क फॉर अदर्स। तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करना थी, You were not supposed to talk to him like this. उसे तुम्हारा विश्वास मजबूत नहीं करना था, He was not supposed to substantiate your belief. Substantiate का मतलब होता है मजबूत करना, मतलब कि किसी भी चीज़ के या फिर किसी भी वर्ब के पहले हम लगा दे substantiate, तो उसका मतलब होता है उस चीज़ को मजबूत करना, उस चीज़ को reinforce करना। Reinforce का मतलब भी होता है उस चीज़ को मजबूत बनाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन सी और कमेंट के साथ। एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।